चेक गणराज्य की राजधानी प्राग के एक विश्वविद्यालय में गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में संदिग्ध को मार गिराया है। चेक पुलिस और शहर की बचाव सेवा ने गुरुवार को मामले की जानकारी दी। हालांकि पुलिस द्वारा प्राग शहर में गोलीबारी की परिस्थितियों के बारे में जिक्र नहीं किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्राग पुलिस प्रमुख ने हमलावर की पहचान विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में की है।